Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class, lecture of chemistry number 6. Chapter number 5, book page open karenge 88 se 91 tak bari bari. Aur aaj ka hamara topic hai diffusion se allotropic tak hum padhenge. Ab hum chalte hain book ki taraf. Ji, booklet dekhein, pehla sawal, define diffusion. The liquid molecules are always in state of continuous motion. They move from higher concentration to lower concentration. Liquid ke molecule har waqt musalsal harkat ki halat mein hote hain aur wo zyada irtikaz se kam irtikaz ki taraf harkat karte hain. They mix up with the molecules of other liquids so that they form a homogeneous mixture. Wo dusre liquid se molecule ke sath bhi mil jate hain aur ek yakjan ameza banate hain. Sa diagram aap dekh sakte hain ki red color ka ek qatra dala hai pani ke beaker mein. थोड़ी देर के बाद डिफ्यूज करके ये सारे पानी को लाल कर देगा. अगला सवाल, राइट इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑन डिफ्यूजन. ये आंसर आ गया आपके सामने. इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, लिक्विड्स हैविंग वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस डिफ्यूज फास्टर देन दोज हैविंग स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. तो जिन लिक्विड्स की इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस मजबूत होती हैं वो जो है वो जो देर से डिफ्यूज करते हैं और जिनके इंटरमॉलिक फोर्सेस कमज़ोर होती हैं वो जल्दी डिफ्यूज करते हैं. अगला सवाल, राइट इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन डिफ्यूजन. तो मॉलिक्यूल का साइज डिफ्यूजन पर कैसे असरअंदाज होता है. बिग साइज मॉलिक्यूल डिफ्यूज स्लोली. फॉर एग्जांपल हनी डिफ्यूज स्लोली इन वाटर देन दैट ऑफ अल्कोहल इन वाटर. तो जब शहद पानी में दाखिल शामिल किया जाता है तो वो आहिस्ता हरकत करता है, जबकि अल्कोहल शामिल की जाए तो ऐसा नहीं होता. अगला सवाल है, राइट इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन डिफ्यूजन. तो रेगुलर शेप मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ फास्टर देन इरेगुलर शेप मॉलिक्यूल. तो बाकायदा शक्ल मॉलिक्यूल जो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करते हैं बेकायदा शक्ल मॉलिक्यूल्स की निस्बत. बिकॉज दे कैन ईजिली स्लिप ओवर एंड मूव फास्टर, क्योंकि वह आसानी से फिसल सकते हैं और तेज़ी से हरकत कर सकते हैं. और आखिरी सवाल, राइट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. दर्जा हरारत बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ती है. बिकॉज एट हाई टेम्परेचर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बिकम वीक, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कमज़ोर हो जाती हैं ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में आ जाती है ज़्यादा हरकी तवानाई. इसके साथ ही इस सीज़न के केमिस्ट्री के लेक्चर्स हुए ख़त्म. अगले लेक्चर से अगले सीज़न में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.